ये है आधे रास्ते की मार्क, और साथ में भैया जो थे, आज इनका बर्थडे है, तो माता रानी के दरबार में आज हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ट्रैकिंग के थ्रू। देखिए तो भैया की बर्थडे हम लोग पहाड़ पे जब ऊपर पूरी ट्रैकिंग कर लेंगे तो ऊपर भैया की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस, तकरीबन 9-8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी हम कुछ यहाँ पे आए हैं, प्रसाद ऐसे कुछ करके, प्रसाद हलवा प्रसाद ऐसे यहाँ पे मतलब वितरण होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि कृपया प्रसाद खा के तभी आगे बढ़े, और ये प्रसाद निःशुल्क होता है। तो हम इस ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसके थ्रू हम जाएंगे, और ये तो रोड है बट इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे और प्रसाद खा के फिर आगे निकलेंगे। और हमारे मेंबर्स लोग, ग्रुप वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, एक दो लोग पीछे, तो उनका वेट कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। भाई वाकई में अगर आपको ये कुछ एडवेंचरस लगे तो ज़रूर बताना, और जैसा कि देख रहे हो आप, कुछ नीचे आपको सिटीज़ दिखाई दे रही हैं, नीचे से आपको यहाँ से लेके चलते हैं। प्रसाद में है चने और हलवे, और तो आप बताइए सर कैसा लग रहा है आपको प्रसाद? प्रसाद तो प्रसाद होता है भाई, सुपर सुपर डुपर नमक, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया भाई, मज़े आ गए आपको भी। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जरूर आप एक बार जरूर यहाँ पे आए, माता रानी का दर्शन करें, नेक्स्ट लेवल का फीलिंग आने वाली है भाई, बहुत ही मस्त है, मज़े आ गए एकदम से, ऐसा कुछ लग रहा है ना, बस मन तो ऐसा ही कर रहा है बस कि अब आराम करो, सो जाओ, बट आगे बढ़ने हैं, और नॉन स्टॉप हम लोग बढ़ रहे हैं, बस 2-4 मिनट की बस ब्रेक लेके आगे निकल रहे हैं, बस ब्लॉग में देखते रहो, बस बनते रहो आप लोग। सो हेलो गाइस, देख सकते हैं भवन का रास्ता है, 3 किलोमीटर है, और लगभग हम 11 किलोमीटर की दूरी हम तय करके आ चुके हैं, और अब जाके फाइनली भवन का रास्ता हमें पता चला। हम थोड़ा कन्फ्यूज ही हो गए थे कि कहीं हम दूसरे रास्ते में तो नहीं हो गए, बट रास्ते में तो सही थे, हमने मस्त नीचे चाय वगैरह पिया, प्रसाद खाया, और प्रसाद के स्वरूप में ही हमने चाय पिया, मज़ा आ गया एकदम, रिलैक्स किया थोड़ा सा, चाय पीने के बाद थोड़ी सी दम एनर्जी आई, और फिर आगे अपना यात्रा शुरू करते हैं हम लोग, मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट है भाई। जैसा कि देख सकते हैं 2 बंदे आगे हैं, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं, बस आगे भवन पर चलना है, वहाँ कुछ स्टॉप को मतलब है, कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको लाइट, वहाँ कुछ ऐसे जाना है हमको, तो फिर चलते हैं यहाँ पर कहीं। हमने 9 बजे स्टार्ट किया था ट्रैकिंग, और अभी लमसम 12:30 बज रहा है, तो लगभग ऐसा है मतलब कि 2-2.5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद फिर अपना यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करने के बाद फ्रेश वगैरह होंगे, फिर उसके बाद आगे ही आपको दिखाते ही हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए आगे की जर्नी हमारी।
गाइस, काफी ट्रैकिंग ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली मंजिल हमारे करीब है और जस्ट ये रहा मंदिर, ये सामने जो देख रहे हैं है, चढ़ाई करके जानी है अब तो, मतलब मंजिल करीब है और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। इतनी बड़ी लाइनें हैं। हेलो गाइस, जैसा कि देख सकते हो आप लोग, माता रानी की दर्शन हो गई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माथे का टिकट लगा लिया हमने, टीका लगा लिया है और हमने इसी ठंड में तकरीबन 3 बजे और अपना स्नान वगैरह किया यहाँ पे घाट पे। स्नान वगैरह करने के बाद फिर मंदिर में गए, बहुत अच्छे से दर्शन किया माता रानी का, भेंट किया बहुत अच्छे से, पूरा मज़ा आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ है अभी ये यहाँ का मतलब माता वैष्णो देवी का ख़त्म होता है। गुफा में हम लोग गए थे, अच्छे से किया पूरा, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने। सो आपको इसी ब्लॉग में भी भैरव बाबा का दर्शन मिल जाएगा। सॉरी फॉर डैट कि लाइट थोड़ी है नहीं, एक्चुअली लाइट नहीं है थोड़ी सी, अभी आ जाएगी लाइट यहाँ पे मतलब, और मैं आपको फाइनली एक दर्शन दिखा देता हूँ माता रानी का। माता रानी का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, इतनी ट्रैकिंग कर रहे हैं भैरव बाबा के लिए, उनका दर्शन करेंगे उसके बाद फिर वापस अपने मंजिल की ओर। और ये यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर हैं भैरव बाबा का मंदिर, तो वहाँ तक जाएंगे और वहाँ देखेंगे। सॉरी फॉर दैट कि आपको नहीं दिखा सका क्योंकि भाई कैमरेज वगैरह पूरा अलाउड नहीं है, कुछ भी वेल टाई कुछ नहीं अलाउड है। आपको भाई जो लोग आए होंगे उनको तो पता ही होगा। तो भैरव बाबा चढ़ने के लिए 351 सीढ़ियाँ चढ़नी है, ऐसे ऐसे मतलब मार्गदर्शन बनाए गए हैं। तो अभी हमको 351 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो फिर हम भैरव बाबा पहुँच जाएंगे। की भाई साहब हमने 375 175 75 देन आफ्टर 262 ये सीढ़ी हम लोग तय करके यहाँ पहुँच गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। सो हाँ,
ये रही ऊपर पूरी मंदिर, पीछे से लोग आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो फाइनली गाइस, चढ़ाई मतलब ना के बराबर है अब, बस ये देख सकते हैं आप, वो आ ही गए हैं। हाँ बस पहुँचने वाले हैं, ये बस इतनी लास्ट है, उसे पहुँच जाएंगे भाई साहब। लगभग हमने 700 सीढ़ियाँ, 700 750 सीढ़ियाँ हमने क्रॉस करके यहाँ पे आ गए। ये हमारे भाई आ रहे हैं, कैसा लगा है? मजा आया? अब चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं आपको। चढ़ाई करने से आसान मतलब थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि इसमें नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। और माता रानी आप लोगों को भी आशीर्वाद दें, सुरक्षित बनाए रखें।